Okay, so uh, hi guys, this is uh, Gaming Promotion, and आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about a game that kind of changed that day's mentality ऑफ़ competitive एंड उसके बाद की चीजों के बारे में हम लोग लाइक ये एक ऐसा गेम है जो PMWL का है। I guess आप इसे बहुतों को याद होगा, but इस गेम में अगर आप देखें जो टीम्स जीवित थी और जिस टीम को चिकन डिनर मिला, प्रोबेबिलिटीज कैसे चेंज होती हैं रैंडमनेस कैसे चेंज होती है इस गेम में जो आर होता है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ये गेम सो या इस वीडियो में हम लोग गे इस गेम की बात करने वाले हैं जो था पीएमडब्ल्यू के वीक थ्री डे वन का पांचवा मैच एंड आई वाज जस्ट वाचिंग थ्रू द मैचेस वाचिंग थ्रू आर्काइव्स ऐसे पुरानी यादें ताजा कर रहा था तो ये गेम मेरे सामने आया ज अ गेम एंड शुरू करने से पहले कि कर आप लोग नए चैनल लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो दोस्तों को मेरे सोशल आप लोगों लो को ऑन द स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे वहां पर आ सकते हो के एटी का हम लोगों का गोल है एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो पे पचास तक गोल रहेगा होपो करवा दोन बट शेयर करना दोस्तों का जो आप अभी देखने वाले हो जस्ट थिंक अबाउट राइट लेट्स टॉक अबाउट इंडियन टीम्स एट दिस मोमेंट सिनर्जी मेगा स्टार टी एस एम एन टी टी गैलेक्सी रेस नोवा गॉड लाइक ये टीमें जिंदा है यहां पर एक दो तीन चार पांच मोर्फ फ्रेंजी यहां पर एक अकेला इकलौता प्लेयर है मॉर्फ का नाम लिया है फ्रेंजी का नाम लिया है, तो शायद आप में से बहुत लोगों के माइंड में आगे अगर आया होगा तो जरूर याद लाइक नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस के बारे में एक्चुअली वीडियो होने वाली है जस्ट थिंक अबाउट अ प्लेयर जो एक एचपी पर सर्वाइव कर रहा है एक एचपी पर 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 पर, तीन यहां पर तीन यहां पर चार यहां पर तीन चार like, ऐसे जिंदा जिंदा लोग जिसमें से एक ये है और बाकी यहां पर. किसी को भनक नहीं हुई किसी को खबर नहीं लगी कि क्या होने वाला है आगे एंड दिस मैच नो वेंट डाउन ओवरऑल जस्ट थिंक अबाउट इट सर्कल को आप देख रहे हो सर्कल के सेंटर लाइंस कितना खाली है राइट right? बट ये खाली होने का भी नुकसान है क्योंकि पेड़ यहाँ पर है पेड़ कोई जा ही नहीं सकता आगे आपका जहां कवर आपको मिल रहा है आपको ये जो खाली एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे है आपको जहां कवर मिल रहा है आपको वहीं पर रहना पड़ेगा उसके अलावा अगर आप आगे मूव किए अगर जैसे मान लो मैं यहाँ से मूव करती से पड़ेगी यहाँ से पड़ेगी यहाँ से भी पड़ सकती है डिपेंड करता है स्पॉट किया को थोड़ा सा आगे आना पड़ता मारने के लाइक इस तरीके से चीज होती है अगर नोवा गोड लेकिन वाले आगे मूव किया और उनको ये पेड़ का कवर चाहिए तो उनको यहाँ से पड़ सकती है यहाँ से पड़ सकती है यहाँ से पड़ सकती है दिस इट इज बट नाउ So, कहीं ना कहीं दिक्कतों वाला राइट right? आप नहीं जा सकते हैं like, सर्कल में, नहीं है. सर्कल में, में सिर्फ के प्लेयर्स थे जो बारहवें you know, टीम बारह नजर आ रही है आपको सो एवरी मनो ट्राइंग टू स्पॉट वन प्लेयर दी अदर दी अदर प्लेयर दी अदर गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स आई गेस इस गेम में सेकेंड आए थे मेरे ख्याल से एंड ये, ये बहुत बढ़िया चीज हो जाती है

या तो आपको ये सर्कल खाने वाला जो आ रहा है या फिर अगर आप ओपन में निकलोगे तो आपको ओपोनेंट्स खाने वाले ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने पॉइंट्स कैसे ना दिए जाएं और कैसे पॉइंट्स छीने जा सके ये दोनों चीजों के बारे में मतलब प्लेयर्स को सोचना है गैलेक्सी के प्लेयर्स को सोचना है कि कैसे पॉइंट छीन सकते हो बाकी से बाकी, उसे, बाकी को सोचना है कैसे पॉइंट्स ना दें ये बहुत अच्छी फाइट थी टी एस एम एंटीटी वर्सेज नोवा गॉडलाइक वर्सेज गैलेक्सी रेस सेल्स ये बहुत अच्छी फाइट थी आई जस्ट रियलाइज टीएसएम एंटिटी नोवा गॉडलाइक गैलेक्सी रेसिस मतलब मेन नाम इनका सेल्स था मेन नाम गॉड लाइक था मेन नाम एंटिटी था बट तीनों को अलग अलग वो मिले थे एंड ये लोग सर लाइक इनको जो स्पॉन्सर्स मिले थे इन लोगों ने उनपे लाइक बहुत खरे उतर थे बहुत अच्छे तरीके से लाइक इन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस दिखाए थे फॉरवर्ड देखो दिस अब ऐसे में क्या होता है देखो गैलेक्सी रेसेस के जो प्लेयर्स हैं उनको तो बाहर आना ही पड़ेगा सर्कल नहीं है पता है बाहर आना बट बाहर आते अगर वो यहां से बाहर आते हैं तो नोवा घोड़ ले के प्लेयर्स हैं यहां से बाहर आते हैं तो टी एस के प्लेयर्स हैं और अगर यहाँ पे भी फाइट ले रहे हैं तो पता है पीछे से बैक स्टेप किया जाएगा यहाँ पे आते तो पता चलेगा इधर से बैकस्टेप किया जाएगा तो दोनों साइड से देखकर ही फाइट लेनी पड़ी पड़ेगी गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स को तो पेशेंस गेम खेल सकते हैं ये जो पैतालीस सेकंड है ये पेशेंस गेम के अंदर चले जाते हैं प्लेयर्स के राइट थोड़ा देख के रुक के परख के समझ के खेलना है चार टीमें जिंदा हैं जहां पर नोवा गॉड लाइक है गैलेक्सी रेसर है एंड का बट क्योंकि ये लोग एक दूसरे के काफी करीब हैं और इनको गोलियों की आवाज और हर चीज आ रखी है तो ये आपस में फाइट लेंगे ऑब्वियसली आपस में फाइट ली जाएगी किए जा रहे हैं थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं स्टंस किए जा रहे हैं जो भी मिल रहा है किया जा रहा है बट लुक एट दिस गाय हुज बैकपैक पीछे गिर चुका है ये प्लेयर पैन गिर चुका है हर चीज गिर चुका है एम पे इकतीस गोलियां

बट टू मूव फॉरवर्ड इधर इधर ही एग्जी को स्पॉट किया था बट ये ये one -on -one fight जिसके अंदर एक प्लेयर नहीं दो तीन प्लेयर्स हैं तो उसके कारण Jonathan को दिक्कत आप देख सकते हो एक दो तीन ऐसे करके प्लेयर्स so, किया जाएगा बट यहाँ पर फायदा ले गए के players, in fact, यहाँ पर जस्ट थिंक अबाउट राइट वो अच्छे खासे फिनिश किल पॉइंट्स निकाल रहे हैं बट दिस इज वेयर एवरीथिंग टर्न्स अब ये है 1v1v1. 1v1v1, राइट right. अब क्या होता है है आपका एक डाउन अल्ट्रॉन डाउन है तो रॉक्स रॉक्स वॉज द प्लेयर जो सेकंड लेके ले अपनी टीम को रॉक्स के माइंड में जाएगा कि पहले इसको फिनिश करते हैं नॉक करते हैं जो भी है जैसे भी है राइट करते हैं तो पहले इसके ऊपर फाइट ली जा रही है अल्ट्रॉन की एचपी धीरे धीरे जा रही है बट इसी में दिक्कत हो जाती है ये आप रिवाइव नहीं करने जा सकते यू नो इट राइट आप ऊपर जाओगे आपको मारा जाएगा क्लच गॉड भी बैंडेज लगा रहे बैंडेज लगाते लगाते इनको बार बार पता चल रहा है कोई आएगा नहीं आएगा थ्रोएबल्स किए जाएंगे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन बट दिस दिस इज वेयर दिस परफेक्ट कम्स एक एच पी प्लेयर दस दस दिस वॉज मोस्ट ब्रिलियंट वन एचपी क्लच आई मीन द पेशेंस गेम नाउ लुक एट दिस आई गेस ये नेड ही करने लगेंगे नेड या स्मोक जो भी होगा इनके हाथ से जाते जाते इनको पकड़ा जाएगा क्लच गॉड इज स्टिल गोइंग फॉर इट काफी आगे आ रहे हैं

रॉक्स को यहां पर पता है ये फिनिश हुआ है मतलब कोई प्लेयर पास नहीं है तो रॉक्स सर्वाइव कर सकता है बट इसी में इसी चीज में होती है दिक्कत दोनों का पीओ भी देख रहे थे आप फ्रेंजी को देखो अल्ट्रॉन जहां लेटा हुआ है वो फ्रेंजी के निशाने पर जाता है ऐसे yes, राइट right, वो दिख रहा है यहां पे हल्का सा दिख रहा है तो रॉक्स अगर उठ के बैठता है तो दिक्कत होगी एंड दिस इज हाउ इट इज फ्रेंजी जस्ट प्लेइंग दैट देशेंस गेम ओवरऑल Just trying to play that patience game, and asseme. Usne spot kia, instant shots liye, instant done. This was a win that was not supposed to be this lads, but this guy clutched it out of nowhere with not even a single frame of HP on himself. Not even a single frame of HP. Just, just look at this. Look at this. Look at this thing. So this this was the game that kind of just you no know, blew everyone's mind onto the competitive grounds. And this 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 scenario was never going to happen, but it happened and Morph got the chicken dinner out of nowhere. These lads had it in them and was one of the most brilliant teams. Agaram teams, and team plays and yes, they did amazing and uh, क्या हो रहा है क्या नहीं बट मेरी शक्ल बहुत अजीब हो रही है इस टाइप के गेम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें ये दिखाते है कि गेम का रैंडमनेस इवन वन यू वेन यू थिंक यू वन यू माइट नॉट है मोस्ट ब्रिलियंट गेम एंड मैं बस बताना चाहता था क्योंकि ये मैं देख रहा था एंड इट जस्ट केम टू माई माइंड This was an amazing, amazing thing. आप क्या है इस गेम के बारे में? तो में. Uh, में. में कुछ क्लश मूवेंट है मेरे माइंड में आपके माइंड में कुछ क्लश मूवमेंट्स आप बता सकते हो जरूर डिस्कशन कर सकते हैं सो टिलन आई वोड नो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट एंड पीस आउट गाइस